नमस्कार पहलाग दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के अवतार प्रसिद्ध नीम करौली बाबा जी। कुमाऊं क्षेत्र में बने कैंची धाम, ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ कभी भी वापस नहीं लौटता। अगर आप कैंची धाम दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो दिल्ली से काठगोदाम के लिए सीधे ट्रेन है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर आप उतर जाएं, वहाँ से टैक्सी सेवा ले सकते हैं। अगर बस से जा रहे हैं तो हल्द्वानी पहुँचें, वहाँ से भवाली होते हुए अल्मोड़ा वाली रोडवेज बस लें या टैक्सी सेवा लें। हल्द्वानी और काठगोदाम एक ही शहर के दो पार्ट हैं। हल्द्वानी से कैंची धाम आप करीब 1 घंटा 40 मिनट में पहुँच जाएंगे। कैंची जाते समय रास्ते में कई होटल दिखाई देते हैं जहाँ पर हम खाना खा सकते हैं, चाय पानी ठंडा पी सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर रोड के किनारे। दोस्तों, हल्द्वानी से कैंची धाम तक का रास्ता इतना सुंदर और मन को मोहने वाला है कि मुझे तारीफ के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। रास्ते में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हरे भरे पेड़ मन को और दिमाग को बहुत ही शांति प्रदान करते हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो कि मन को मोह लेती हैं। इन सुंदर नज़ारों को देखकर दिल बहुत ही प्रसन्न हो रहा है और मन में बड़ी शांति मिल रही है। रास्ते में छोटे छोटे झरने भी दिखाई दिए, आप ही देखिए ये कितना सुंदर झरना है। अब हम बाबा नीम करौली जी के दरबार में पहुंचने वाले हैं। ये परम पूज्य नीम करौली महाराज जी का आश्रम का प्रवेश द्वार है। बीच में नदी के ऊपर पुल बना है, सीढ़ियों से और पुल पार करते ही हम आश्रम में पहुंच जाते हैं। कैंची मंदिर में पहुंचते ही आप इतना भाव विभोर हो जाएंगे, आपका यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। उत्तराखंड के कुमाऊं में नैनीताल जिले कैंची धाम लाखों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। यह दिव्य पुरुष बाबा नीम करौली जी की पावन भूमि है। शिप्रा नदी के किनारे तथा देवदार के वृक्षों के पेड़ों के घने जंगलों के बीच स्थित कैंची धाम मन को असीम शांति प्रदान करने वाला है। सन 1962 के बाद बाबा जी कैंची में ही निवास करने लगे थे। 15 जून 1964 को पहली बार उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया था, इसलिए हर साल 15 जून को इस दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है जिसमें देश विदेश के लाखों भक्त आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तथा बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोग खुलकर दान पुण्य करते हैं। कई लोगों का कहना है बाबा जी उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं। बाबा जी सिद्ध पुरुष हैं, आज भी लोगों को उनके चमत्कारों का एहसास होता है। ये मंदिर का गेट है, मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना है। जब हम बाबा जी के आश्रम के अंदर गए, ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति हमें आशीर्वाद दे रही हो। मंदिर के अंदर देवी देवताओं की मूर्ति के हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद हम नीम करौली बाबा जी की समाधि के पास गए और समाधि के पास हम थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठ गए। बाबा जी की मूर्ति को देखकर ऐसा लगा जैसे बाबा जी अभी बोल पड़ेंगे। अब हम बाबा जी के दर्शन करके लौट रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरा जीवन धन्य हो गया है।
कैंची मंदिर से जब हम बाहर आए, यहाँ पर कई तरह की दुकानें देखने को मिली। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखे, पहाड़ हरियाली से भरे हैं। इन पर्वतों पर, इन पहाड़ों पर कई प्रकार के वृक्ष लगे हैं। इन हरे भरे देवदार, चीड़, बांज और भी अनेक प्रकार के वृक्ष। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। अगर मेरी माने तो एक बार आप उत्तराखंड में कैंची मंदिर जरूर जाएं, नीम करोली महाराज बाबा जी के दर्शन जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, मैंने आपको नीम करौली बाबा के दर्शन कराने की पूरी कोशिश की है और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अधिक पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बाबा जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, इसी कामना के साथ नमस्कार पहला।